नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज चैटर में। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल रही है भारत चाइना ट्रेड से। दोस्तों, आप भी एक बात से सहमत होंगे, अगर गलवान घाटी की घटना नहीं हुई होती तो भारत आज जिस तरह से चाइना के ऊपर फैसले ले रहे हैं वो अगले 10 सालों में भी नहीं हुई होती। स्ट्रैटेजिक रूप से देखा जाए तो गलवान घाटी की घटना चाइना के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हो रही है, क्योंकि गलवान घाटी की घटना के बाद भारत सरकार ने चाइनीज ऐप बैन करने, चाइनीज इंपोर्ट कम करने और चाइना की इन्वेस्टमेंट कम करने जैसे कई बड़े निर्णय लिए हैं, जिससे चाइना को आर्थिक तौर से बड़ा नुकसान हुआ है और भारत को बड़ा फायदा। दरअसल कल यानी 7 तारीख को चीन की कस्टम डिपार्टमेंट ने ये बताया कि साल 2020 की नवंबर महीने तक इंडिया ने चाइना से 13% कम इंपोर्ट की है पिछले साल के मुकाबले, और चाइना को भारत द्वारा किए गए एक्सपोर्ट में 16% उछाल देखी गई है। मतलब पिछले साल के मुकाबले भारत ने चाइना से 13% कम सामान खरीदे है, और पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत ने चाइना को 16% ज़्यादा सामान बेचा है। पिछले 11 महीनों में भारत ने चाइना को $19 बिलियन का सामान बेचा है और चाइना ने भारत को $59 बिलियन का। हालांकि व्यापार घाटा अभी भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसका भी कम करने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे PLI स्कीम। इस स्कीम के द्वारा भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर इंपोर्ट कम करना चाहती है, और ये जो इंपोर्ट चाइना से कम हुई है उसका एक बड़ा कारण है बॉयकॉट चाइना मुहिम, जिसके चलते चाइना को भारी नुकसान पहुंचाई है भारत सरकार ने। और इसी के चलते हमारा चीन के साथ जो ट्रेड डेफिसिट रहता था उसमें भी भारी गिरावट देखी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।